नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच दोस्ती गहरी होती जा रही है। बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं, लेकिन उसको आपकी दोस्ती कहीं भारी ना पड़ जाए। दरअसल बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस के हौसले तो बुलंद हैं, लेकिन इस बैठक में केजरीवाल के पहुंचने के साथ ही कांग्रेस की दिल्ली इकाई की टेंशन बढ़ गई है। पार्टी की आपसी दोस्ती ने दिल्ली कांग्रेस के नेताओं को अपने भविष्य के लिए लेकर सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। इसकी कई वजह भी नजर आती हैं। दिल्ली अध्यादेश से पहले आप भी लगातार कांग्रेस पर हमलावर थी। उस समय पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कह दिया था कि कांग्रेस अब खत्म हो चुकी है और उसे वोट ना दे। साथ ही केजरीवाल ने कांग्रेस को गाली की तरह बता दिया था। इधर अजय माकन और संदीप दीक्षित जैसे पुराने कांग्रेसी भी दिल्ली आवास निर्माण के ऊपर हुए बवाल को लेकर आप सरकार पर निशाना साधते नजर आए थे। विपक्षी दलों की बैठक से एक दो दिन पहले ही कांग्रेस दिल्ली में यमुना के उफान को लेकर आप सरकार को घेरती नजर आई थी। नौबत यहां तक आ गई थी कि कुछ नेताओं ने केजरीवाल के बयानों को लेकर माफी मांगने तक की मांग कर दी थी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी कैडर की तमाम अपीलों को नज़रअंदाज कर आप पार्टी से हाथ मिला लिया। खबर है कि इस नई दोस्ती ने दिल्ली कांग्रेस कैडर का मनोबल तोड़ दिया है, जिसके बाद कई सियासी नेता अपने भविष्य को लेकर सोचने लगे हैं। साथ ही पार्टी की प्रदेश इकाई में एक अलग शांति भी नज़र आती है। जानकार बताते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व के आपसे दोस्ती के बाद प्रदेश कांग्रेस इकाई का सियासी भविष्य अस्त हो गया। उन्होंने बताया कि 2020 के चुनाव में आपको 54% वोट मिले, भाजपा 38% पर थी और कांग्रेस सिमट कर 4.26% पर आ गई थी। 2019 की स्थिति इससे अलग थी और भाजपा 57% के साथ शीर्ष पर थी और कांग्रेस 22.5% के साथ दूसरे स्थान पर थी। उस समय आप 18.1% वोट पर थी। अब आप नागरिकता संशोधन कानून यानी CA और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का समर्थन कर चुकी हैं। खास बात यह है कि कांग्रेस दोनों के खिलाफ है। इसी के चलते दिल्ली कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेता भी आपके साथ गठबंधन का विरोध करते हैं। अब हाल ही में आपने समान नागरिक संहिता का भी समर्थन किया है और कांग्रेस नेतृत्व इस मुद्दे पर कुछ भी खुले तौर पर कहने से बचता दिखाई दिया है।